بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूं आपका मेजबान तारिक चौधरी। आज है 26 मई मंगल का दिन। अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और बरकतों के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करना है नैब के हवाले से, शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद असरात के हवाले से और शुगर माफियाज के हवाले से। अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी आरा और कमेंट से जरूर आगाह करते रहिएगा। क्या माफियाज ईद की छुट्टियों के बाद मजीद रगड़े में आते हुए नजर आ रहे हैं? टैक्स चुराने वालों का बनेगा क्या? एफबीआर क्या करने जा रहा है? नेप ने कौन सा हैरानकुन इकदाम उठाया है? तो सबसे पहले नैब के एकदम के हवाले से बात कर लेते हैं। नैब लाहौर ने जेरे हिरासत मुलजमान को जज्बाए खैर सगाली के तहत ईद उल फित्र पर गुलदस्ते पेश करके नई तारीख रकम कर दी है। कैंप जेल और कोट लखपत जेल में 150 के करीब मुलजमान को गुलदस्ते भेजे गए हैं। गुलदस्ते वसूल करने वालों में जुडिशियल रिमांड पर जेल में मौजूद हमजा शाहबाज, अहद चीमा, फरहान चीमा और मिर्शकील भी शामिल हैं। मुलजमान के लिए बाज मात नमाज ईद और हाई टी का भी बंदोबस्त किया गया। हाई टी में शीरे खुरमा, चाट, फिरनी, दही बल्ले, शामे कबाब, बिस्किट और जूसेस भी शामिल थे। ईद के तीनों दिन जेरे हिरासत अफराद को फैमिलीज के साथ मुलाकात की इजाजत होगी और उनके साथ खाना खाने का एजाज भी हासिल कर सकेंगे। और इस तरह से नैब के हवाले से जो एक दहशत का माहौल मुलजमान की तरफ से बनाकर रखा गया था, नैब लाहौर ने अपने इस इंतहाई खैर सगाली के इकदाम के जरिए से उस सारी इमेज को चेंज करके रख दिया है और मुलजमान के साथ बहुत ही बेहतरीन रवैये का मुजाहरा किया है, जिसकी तमाम कौमी हलकों की तरफ से बेपाया तारीफ की जा रही है। शुगर कमीशन की सिफारिशात पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने चार बड़ी मिलों के गुज़श्ता 5 साल के केसेस खोलने का फैसला कर लिया है, ताकि चोरी शुदा अरबों रुपए के सेल्स टैक्स की वसूली
इन चोर शुगर मिलों से मुमकिन बनाई जा सके। यह भी फैसला किया गया है कि बेनामी लेन देन की तफ्तीश करने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किए जाएंगे। शुगर कमीशन की तरफ से शनाख्त किए गए तमाम बेनामी लेन देन FBR की इस तफ्तीश की जद में आएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तोसी का भी फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक मजीद 3 सेक्टर्स जिनमें चीनी, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स शामिल हैं, इन तीनों सेक्टर्स में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि टैक्स चोरी का सद्देबाप किया जा सके और इन शोबों की हकीकी पैदावार का अंदाजा लगाया जा सके और इस तरह से इन्हें टैक्स चोरी से रोका जा सके। शुगर इंक्वायरी कमीशन के जरिए शनाख्त की जाने वाली 4 बड़ी मिलों के ऑडिट केसेस में भी यह फैसला किया गया है कि FBR उनके मिलों के ऑडिट केसेस भी खोलेगी। FBR के अहदेदार ने बताया है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात के दौरान शुगर मिल्स के खिलाफ FBR के अदादोशुमार को इस्तेमाल किया, लेकिन अब ईद की छुट्टियों के बाद कानून के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 4 बड़ी मिलों का ऑडिट खोलने जा रहा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन पहले ही अरबों रुपयों की टैक्स चोरी के हवाले से शुगर मिल मालिकान को जिम्मेदार ठहरा चुका है और चोरीशुदा टैक्सों की वसूली का मामला FBR को भेजने की सिफारिश कर चुका है। शुगर कमीशन ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि टैक्स चोरी का मामला FBR को भेजे जाने की जरूरत है ताकि चोरीशुदा टैक्स वसूल किया जा सके जो एक्स मिल प्राइस की इजाफी कीमत पर शुगर मिल मालकान की तरफ से चोरी किया गया है और जो 60 रुपए फी किलो की FBR की हद से ज्यादा था, और यह कि 60 रुपए फी किलो के मियारी रेट्स की बजाय FBR को मुरवजा मौजूदा एक्स मिल रेट्स के मुताबिक फौरी तौर पर टैक्स इकट्ठा करने की सिफारिश की गई है। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने यह इंकशाफ भी किया था कि 14 जुलाई 18 से GST रेट्स में 17% इजाफे के बायस टैक्स असरात में 3.6 रुपए फी किलो इजाफा हुआ था। खोरदा कीमत में दिसंबर 18 से जून 19 के दरमियान असल इजाफा देखने में आया। यह इजाफा तकरीबन 16 रुपए फी किलो था। एक्समिल कीमत में एक बड़ा इजाफा दिसंबर 18 से जून के दरमियान हुआ और यह इजाफा 12 रुपए फी किलो था, जो 51.64 रुपए से बढ़कर 63.59 रुपए फी किलोग्राम था। बयान किए गए अरसे के दौरान फरोख्त और दीगर टैक्सेस में कोई इजाफा नहीं हुआ और वो जूं के तू रहे। गन्ने की कीमत भी नहीं बढ़ी थी। जुलाई 19 से लेके जनवरी 20 के दरमियान खोरदा कीमत में इजाफा 71 रुपए से लेके 74.64 रुपए फी किलोग्राम था और इस तरह से शुगर माफिया ने टैक्सों की मद में
अरबों रुपए चोरी किए रियासत पाकिस्तान को, टैक्सेस के मद में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और पाकिस्तान के गरीब आवाम के पेट काटते हुए अपनी तिजोरियों में बेपाया इजाफा किया गया और चीनी कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद एफबीआर की कार्रवाइयां और आने वाले दिनों में चीनी आईपीपीस, आटा माफिया और दीगर माफियाज के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां ये जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान में अब माफियाज का चैप्टर क्लोज हुआ चाहता है और अगर इस दफा इन लोगों को अच्छी तरह से एहतसाब के शिकंजे में कस लिया गया तो आइंदा ये लोग, ये माफियाज ना तो रियासत पाकिस्तान के मुफादात से खिलवाड़ करने के काबिल रहेंगे और ना ही पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट काट कर अपनी तिजोरियां बेपाया अंदाज में भरने की कोशिश करने के काबिल रह पाएंगे।